एंड वेलकम वेलकम लेडीज टू द स्पेशल एपिसोड ऑफ बोल अपिसोड लब आजादेरे जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि ये स्पेशल सेगमेंट हम सिर्फ तभी करते हैं जब कोई स्पेशल इंसान इन पर्सन प्रेजेंट हो तो हमारे स्टूडियो में रेडियो आज़ाद की और आज हम लकी कि हमारे साथ है वन ऑफ़ द मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट एक्म्पलिश एक्ट्रेस ऑफ आर टाइम यूर ऑल वेरी फेमिलियर विद वर्क आपने उनको देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में मुझे ज़बानी याद हैं एक्चुअली बहुत सारी उनकी फिल्में uh, आपने उनको अन इंडियन में देखा होगा पार्च में देखा होगा रोड में देखा होगा गुलाब गैंग में देखा होगा बारह आना में देखा होगा जो कि भूल चुके हैं कि पुराने ज़माने में आने भी हुआ करते थे सो <laughs> so, um, uh, और उसके अलावा इट इज़ बिकॉज ऑफ हर पर्सनैलिटी हर टैलेंट चॉइस वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बॉडी ऑफ वर्क दैट इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम उन्होंने अपना नाम जो है उनको आजकल बड़ा अच्छा खूबसूरत खूबसूरत नाम मिलते हैं रेनिंग क्वीन ऑफ हिंदी फिल्म्स एक और नाम था बड़ा अच्छा हिंदी फिल्म रॉयल थी एंड वन ऑफ द वन दैट आई लव्ड द मोस्ट आई वाज रीडिंग वन ऑफ द आर्टिकल्स एंड दे रिफर टू हर एज द प्रिंसेस ऑफ पैरल सिनेमा लेडीज एंड जर्मेन तनिष्ता जी thank you so much with all those epithets and you know I'm so so glad to be you know here on uh, radio Azad and with you uh, sharing my experiences and um, lovely to be here thank you thank you very much welcome to radio Azad welcome to the Dallas this is your second time I guess. this is my second time absolutely okay. you you have I think some sort of um, relationship with South Asian Film Festival or with Jitin Hingurani yes um, because he's a great host absolutely Main Jitin se saal pehle New York Film Festival mein. Mm -hmm. uh, he used to live in New York at that point of time and he I had a film called Bombay Summer जिससे मुझे मतलब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस न्यूयॉर्क में मिला था और फिल्म को भी बहुत अप्रिसिएशन मिली थी एंड ही वॉज डूइंग समथिंग विद द फिल्म द पब्लिसिटी वर्क एंड देन ही मूव टू डैल एंड देन ही सो फर्स्ट ईयर में मेरी एक पिक्चर रफ बुक वॉन्टेड दैट टू बी देर एंड ही आई हैड बीन टू डैलर्स बिफोर ब्रिकलेन के प्रोमोशंस के दौरान मैं आई थी दो दिन के लिए अगैन प्रोमोट करने के लिए सो टू इयर्स बैक इट वॉज माई

और इंडिया मुंबई से आते हैं तो मजा आता है क्योंकि वहां तो इक्वेबल क्लाइमेट है कोस्टल क्लाइमेट है कभी सर्दी भी नहीं होती है नहीं। तो uh, बहुत खूबसूरत था एंड दिस टाइम ऑफ कोर्स द वेदर इज़ वेरी डिफरेंट एंड आई एम रियली एंजॉयिंग आई नो आपका छोटा सा ट्रिप होता है दो तीन दिन का बिकॉज यूर वेरी बिजी बट लोग कैसे लगे आपको डैलस के वेलकमिंग well hmm, बहुत warm. ही वेलकमिंग बहुत वार्म uh, और uh, मतलब पिछले बार भी मैं जब आई थी यही लगा था इस साल भी यही लग रहा है hmm. Inshal, inshal, hmm. और भी इन अच्छा शागा uh, ऐसा करते हैं पहले हम बात करते हैं सैफ के बारे में Uh, फिर बात करते हैं आपकी वो फिल्म जो हम स्क्रीन करने जा रहे हैं इनशाला उसके बाद फिर हम बात करेंगे द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग एंड यू हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर दैट बिकॉज आई हैव दिस इनक्विजिटिवनेस एंड मुझे एक जेनवन इंटरेस्ट है एक्टर्स uh -huh. से एक्टिंग सीखने का और uh, उनकी जो बेसिक जो नीटिक्विटीज में चीजें होती है ना दैट रियली वर्क्स फॉर यू

तो ये एक्चुअली क्लोजिंग नाइट फिल्म है uh -huh. और uh, मेरे लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है सिर्फ मेरे मेरे करियर में नहीं बट आई थिंक इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिल्म पर पर्से ये इंडिया के पहली महिला प्रैक्टिसिंग डॉक्टर uh -huh. उनकी जिंदगी है इट्स अ बायोपिक एंड इट्स अ पीरियड पीस तो वो 1864 में पैदा हुई थी uh -huh. और 11 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और 1891 में जब वो 19 साल की थी शी डिफाइड हर मैरिज उस जमाने में डिवोर्स नहीं होती थी तभी भी अंग्रेज रूल करते थे अंग्रेज़ के ज़माने इंडिया और पाकिस्तान सब एक था <laughs> ऐसा कुछ अलग नहीं था और उस जमाने में शी फोटा कोर्ट केस और उन्होंने कहा कि मैं ये शादी नहीं मानती क्योंकि मैंने चूज़ नहीं किया ग्यारह साल की उम्र में मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है तब मैं चॉइस नहीं कर सकती थी लेकिन अभी मैं उन्नीस साल की हो गई हूँ और अपने आप सोच सकती हूँ तो मैं ये तय करती हूँ कि मैं उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जिसको मैंने चूज़ नहीं किया जिसे मैं प्यार नहीं करती तो उस जमाने में यह बात कहना बहुत बड़ी बात. मतलब बहुत बड़ी बात स्टैंड लेना हाँ पूरे मतलब सोसाइटी में एकदम मतलब वेव्स मतलब. हो गया था कि ये क्या पागलों की तरह बात कर रही है एंड देन शी सेड मैं लंदन जाना चाहती हूँ इंग्लैंड जाना चाहती हूँ डॉक्टरी पढ़ने सो इट वॉज रियली एन अमेजिंग स्टांस बहुत ही स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन थी एंड देन शी वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी मेडिसिन और इंग्लैंड से वापस आने के बाद इंग्लैंड में उनको चॉइस था कि वो वहाँ रह के प्रैक्टिस करें बट उस जमाने के जो लोग थे ना उनका पेट्रियाटिज़म और कमिटमेंट बहुत अलग यू नो सुशीत जोस कि नहीं मुझे अपने देश वापस जाना है क्योंकि वहाँ महिला डॉक्टर uh -huh. जो है उनकी ज़रूरत है बिकॉज विमेन पेशेंट्स जो है वो अस्पताल जाते ही नहीं थे बिकॉज uh -huh. वो उन लोगों को लगता था कि मेल डॉक्टर्स हमें छुएंगे तो तो उनको महिला डॉक्टर्स थी नहीं सो शी अंडरस्टूड दैट एंड शी सेड कि नहीं माय कंट्री नीड्स मी मोर सो आई हैव टू गो बैक देयर तो इंडिया वापस आके उन्होंने जब प्रैक्टिस शुरू किया तो बहुत बैकलैश था बिकॉज नो वन ट्रस्टेड की महिला डॉक्टर किसी ने देखा ही नहीं था सो दे hmm. थॉट कि ये कैसे हो सकता है ऊपर से वो शादी तोड़ के ये सब बंधन सब कुछ तोड़ के सोसाइटी hmm. के सब नॉर्म्स तोड़ के गई okay. थी तो बहुत बैकलैश लाइक देर वॉज अ लॉर्ड ऑफ एंगस्ट अगेंस्ट हर बट शी फॉट ऑल दैट एंड शी लिव्ड टिल शी वॉज नाइन्टी वन ईयर्स ओल्ड और नब्बे साल तक हर दिन अकेली रही वो जी.

You know, it's not that it was valid in 1864 and it's yeah. not, uh, yeah. you know, valid anymore or mm. it's not contemporary. I feel it will remain, it's such an inspirational story. Mm -hmm. It will remain contemporary through history. Mm -hmm. um, so I had a fantastic time working on this film. मैंने मराठी सीखा क्योंकि ये महाराष्ट्रियन थी डॉक्टर रखमा बाई सो वी शॉट द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म इन मराठी जब वो घर पे हैं फिर वो इंग्लैंड गई जब पढ़ने के लिए तो वो अंग्रेज़ी में हैं फिर वापस आई तो वो राजकोट में अपने प्रैक्टिस गुजराती हिंदी मराठी सब मिक्स्ड है सो so, सारी यू नो लैंग्वेजेस सीखना और एक

Um, उसके बाद से लोगों ने थोड़ा सा ऐसा सोचा कि इसको यू नो शी कैन प्ले दी स्ट्रांग फीमेल पार्ट्स बट आई आई फील दैट्स वंडरफुल बिकॉज आई एम एन एक्ट्रेस और वीक uh, पार्ट्स क्या होता है एक्टर है के लिए मेरे लिए लेंथ ऑफ द रोल स्ट्रांग या वीक नहीं होता है लेंथ uh -huh. कुछ भी हो सकता है बट इट इज

और आपका स्वभाव और आपके जो इंक्लिनेशन उस तरफ है सो यू यू नो थिंग्स हैपन फॉर द नॉर्मल फॉर्मेट ऑफ द शो इज दैट एट द इनिशियल पार्ट ऑफ द शो वी डू दिस सेगमेंट कॉल लाइफ इन फाइव जिसमें जो बंदा भी आपको नहीं जानता एंड आई डोंट बिलीव इन गूगलिंग बिकॉज वो वैसा नहीं होता वो आदमी जैसे हाँ. आपको मैं ऐसा मिला हूँ आप ऐसे नहीं है ठीक है <laughs> <laughs> जो गूगल बताता है मुझको ऊपर आप ये हैं जो आप हैं सो so मुझे Just to acquaint people, the audience, exactly. worldwide audience worldwide of Radio Azad and this show also. Uh -huh. मैं चाहता हूँ कि आप अपनी में, because आप communicate इतना अच्छा करती connect with the audience so well. Paint a picture for us, जिसमें आप हमें बताएं कि आप पैदा कहाँ हुईं, आपकी education, आपकी family, जो भी आप बताना schooling, college, till the time you joined NST. उस वक्त तक मुझे पाँच मिनट में बता दें सर पाँच मिनट तो बहुत है, <laughs> है दो मिनट बहुत है, बहुत है। <laughs> मैं पैदा एक्चुअली पुणे में हुई एंड uh, मेरे पिताजी उसके बाद जापान uh, uh, चले गए वो सोनी सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स पे उनको काम मिला uh -huh. तो वो ट्रेनिंग के लिए गए तो हम लोग भी उनके साथ गए मैं छः महीने की थी उस समय uh -huh. तो uh, मतलब एज अ टॉडलर एंड एज अ रियली यंग तनिष्ठा आई लिव्ड इन जापान फॉर वन एंड हाफ ईयर फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए Uh, और दो साल वहाँ रहे उसके बाद हम केनिया में रहे नायरूबी में और मुम्बासा में उसके बाद लंदन में रहे और फिर दिल्ली में तो टिल आई वाज नाइन इयर्स ओल्ड मैं ऑलरेडी ग्लोब ट्रॉट कर चुकी थी <laughs> और बहुत सारे अलग अलग देशों में रही और अलग कल्चर्स में रही सो आई थिंक आई वाज ऑलवेज़ यूज टू एडेप्टिंग माई सेल्फ टू न्यू प्लेस एंड न्यू कल्चर्स एंड न्यू पीपल ऑल द टाइम और ये मुझे लगता है ये अपब्रिंगिंग मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा बिकॉज Um, हम दिल्ली में जब फिर सेटल uh, हुए तो बहुत साल तक दिल्ली में रहे अगले दस साल टिल आवेज ट्वेंटी एंड मैं मम्मी से हमेशा पूछती थी, थी कि वॉट इज़ दिस लाइक वेन एंड वेयर आर वी गोइंग नेक्स्ट बिकॉज यू आर सो यूज टू लाइक पैकिंग योर बैग्स एंड मूविंग ऑन टू अनादर कॉन्टिनेंट ऑल टुगेदर बट और मेरे पेरेंट्स लाइक like, बहुत ही प्रोग्रेसिव फॉर इंडियन पेरेंट्स आर रियली लिबरल फॉरवर्ड एंड प्रोग्रेसिव तो मुझे कभी भी किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन Uh, एक लड़की होने के नाते या ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं हुआ मेरे अब स्कूल में मैं जब पढ़ती थी दिल्ली में तो यू नो वैन यू थर्टीन फोटीन ईयर्स ओल्ड स्लोली यू स्टार्ट गोइंग टू पार्टीज न्यू ईयर्स आप पंद्रह साल में मतलब अलग मनाते हैं फ्रेंड्स के साथ और uh, मेरे जो गर्ल फ्रेंड्स थी स्कूल में सब लोग अपने मम्मी पापा को कहते कि देखो तनिष्ठा भी जा रही है इस पार्टी में तो हमें भी जाने दो एंड माई पेरेंट्स आर द कूलेस्ट दे ऑलवेज Trusted me that they gave me the right values, and I will never do anything to break their trust. trust okay. And I had absolute freedom to do whatever I wanted to. तो मैंने जब करियर भी चूज़ किया केमिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गई तो शुरू में उन्होंने थोड़ा सा कहा कि ये क्या करियर है और एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास इंडियन पेरेंट्स का ये सोच होता है कि नहीं हम लोग सिर्फ खाब देखने के लिए पैदा हुए तक पहुँचने के लिए नहीं नहीं और ल, मतलब ये भी सोच होता है दट साइंस प्रोफेशन होना चाहिए और ये सब जो है म्यूजिक डांस थिएटर ये हॉबी हो सकता है सो आई वुड सेट माई पेरेंट्स प्रोग्रेसिव इनफ टू थिंक एक लड़की की जिंदगी सिर्फ ये नहीं है कि उसकी शादी हो जाएगी uh -huh. उसका करियर होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए बट देख कि आप थिएटर या एक्टिंग या फिल्म इन सब में क्या करोगे क्या हो सकता है यू नो यू शुड स्टडी साइंस और डॉक्टर बन जाओ जो यू नो कारपोरेट वर्ल्ड में काम कर लो दो ये थोड़ा सा उनका था बट वैन आई चूज एंड यू नो आई एक्सप्लेन टू दैन देवर वेमेंटली अगेंस्ट इट लाइक कभी कभी सोचते थे अच्छा क्या करेंगे एंड आफ्टर माई डेड की दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन यू हैव केमिस्ट्री एंड ड्रामा नाउ यू कैन अप्लाई फॉर एन एम बी ए तो कितने बार उनके लिए मैंने जी मैट दिया कि बट

वो इमेजिन की मैं सिर्फ बॉलीवुड करूंगी मेरा मतलब वो कभी फैसिनेशन था ही नहीं इनफैक्ट एन एस डी करने के बाद मैं ईस्ट यूरोप भी चली गई थी कुछ साल वहां आना जाना कर रही थी मेरे पोलिज बॉयफ्रेंड भी थे और uh, you know, तो वहां में आंद्रे वायदा कि, से याद किया <laughs> <आपने>। <laughs> बहुत, बहुत, बहुत अच्छी बात है, देना आंद्रे वायदा किशलॉफ्स की ऐसी फिल्मों का एक्सपोजर मैं आंध्रे वायदा से मिली भी एक दो जगह mm -hmm. तो मेरा यह था कि मैं इन लोगों के साथ काम करूंगी बट एज एन इंडियन एक्ट्रेस ऐसा नहीं कि यूरोपियन फिल्म uh, मुझे लेंगे या पर mm -hmm. yeah, yeah. मेरे जहन में कहीं पर ऐसा था कि मैं ऐसे ऐसी फिल्मों में so, we कभी barrier नहीं ना? Because you नहीं। मुझे ऐसा भी हमेशा लगा कि मैं एक जगह नहीं रहना चाहती आई वॉन्ट टू कीप ट्रेवल

कुछ फिल्में देख रही हूँ oh, ये ये, uh, uh -huh. हमारे ड्रामा uh, स्कूल है वो लेकिन एक फिल्म अप्रिसन कोर्स भी होती थी वहाँ uh -huh. um, जो एक बहुत ही उमदा टीचर uh, गायत्री चैटर्जी आके हमारे साथ करते थे शी मेड मी फॉलो इन लव विथ फिल्म बिकॉज शी एक्चुअली मेड मी अंडरस्टैंड हाउ टू रीड सिनेमा सिनेमा भी एक लैंग्वेज है mm -hmm. जो इवॉल्व कर रही है लिटरेचर की तरह इट्स अ डिफरेंट सिनेमैटिक लैंग्वेज ऑल टुगेदर तो ये ग्रेट्स ऑफ यूरोपियन सिनेमा चाइनीज सिनेमा कोरियन सिनेमा इरानियन सिनेमा इसकी एक्सपोजर राशियन मतलब सारे यूरोप mm -hmm. में mm -hmm. मैंने okay. एक कैटेगरी में डाल दिया सॉरी बट mm -hmm. ये सब जो हैं उन्होंने हमें एक्सपोज किया और समझाया कि इसको ऐसे देखना होता है और वो समझने के बाद मुझे जो इश्क हुआ फिल्मों से वो अभी तक जारी है असल में मोहब्बत को जानने के बाद जो मोहब्बत की जाती है ना वो असल मोहब्बत होती है वरना उससे पहले तो सिर्फ एज uh, में हाँ, वो हाँशन तो, तो, from... है पर इश्क उसके बाद शुरू होती है ना बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल शुक्रिया आपने इश्क मजाजी और इश्क भी के बारे में लंबी आ, बात नहीं हमने सवाल पूछने जा रहा हूँ ना दस साल से आप एक्टिंग हैं ऐसे सवाल नहीं पूछे होंगे किसी ने उसी सवाल का इंतजार कर पहला सवाल ये है कि यू नो एज अग वी आर ऑल टू बी नर्वस बींग इन डिफरेंट इनवायरमेंट

को एक्टर का क्यू भी है फिर कभी कभी मार्क पे भी देखना है कि फोकस वहाँ पे वहाँ तक पहुँचना है फोकस गड़बड़ हो जाएगी ये शुरू शुरू में कभी कभी पहले एक दो फिल्मों में थोड़ा सा मतलब वो ध्यान रख के करना पड़ता था और एक दो टेक्स लगते थे मतलब नर्वसनेस को साइड, साइड में हटाने के लिए आ, कभी कभी फर्स्ट टेक में बहुत नेचुरल आ जाता था और उसके बाद कॉन्शियस हो जाते थे और नर्वसनेस उसके बाद आती थी ओ गॉड वो टेक किसी टेक्निकल वजह से सही नहीं हो अब अगर सही नहीं होगा तो फिर क्या होगा मतलब हैं है या, या तो आ, लेकिन अभी ना बहुत साल हो गए

tell you a lot about building the backup story of the yeah, character yeah. and then a lot of rehearsals yeah uske baad wo kehte ki you have to trust your instincts yeah. something will happen when you are doing yeah uh, because acting is doing yes so once you're doing it yeah. something will happen it will translate into a performance yes so you have not rehearsed something yeah. and all of a sudden it comes to you mm. and everybody says but this was immaculate this was perfectly done so yeah. does that happen often with you or it's very rare no it happens and i don't like rehearsing at all mm -hmm. and sometimes uh, um with certain co-actors that becomes a little bit of an issue because there are some some kind of actors who love rehearsing a lot mm -hmm. and for cinema especially i feel like theater mein rehearsal ki bahut zarurat hoti hai kyunki mm -hmm. aap एक पूरा choreography आपको tune in करना पड़ता है but theater में क्या होता है उन rehearsals के बाद जब एक live audience आती है ना हर दिन आपका परफॉर्मेंस फिर भी फ्रेश है बट कैमरा के साथ ऐसा नहीं है कैमरा में एक मोमेंट है जो ट्रूथफुल है या नहीं है ठीक है एंड जो आपने जो चीज कही कि आप उस कैरेक्टर के बैक स्टोरी और सब कुछ समझ लो और इंटरनलाइज कर लो मैं ये पसंद करती हूं और अभी जो सीन है उस मोमेंट को अब जियो एंड आई ट्राई टू आई एक्चुअली डोंट इवन लुक एट माई लाइन

moment is it the same uh, difference between reaching somewhere and arriving yes exactly it's a subtle way of yes, doing it yes and communicating it in a way that yeah. it can be grasped by the audience Also, that's right thing. so what i like to do in rehearsals is reha rehearse around the scenes but See. not the scene hmm. so you know i'm so i've lived that character yeah mm -hmm. इससे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ उस चीज को भी एक्ट करके जैसे आपने कहा कि अगर हम सिर्फ डिस्कस करते हैं ना तो उस कैरेक्टर को नहीं जीते mm -hmm. बट इम्प्रोवाइजेशन के थ्रू जब हम उस सीन को करते हैं जो फिल्म में नहीं है mm -hmm. तो हमने उस मोमेंट uh, को जिया उस कैरेक्टर के थ्रू देन यू नीड टू बी लकी इन

लेवल पे वो करना नहीं हुआ और लेडीज जो, जो, जो जितने आराम और प्यार से नवाज और इरफान कह रही है ना ये इरफान खान और नवाजुद्दीन से दिखी है जिसको वो इतनी इजीली <laughs> बोल रहे हैं ग्रेट एक्टर्स अमेजिंग अच्छा मुझे ये बताइए सो so, uh, अभी आते हैं को स्टार्स के बारे में <laughs> एक एक एबिलिटी होती है को स्टार्स में दैट यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर जिसको आपको पता है कि मेरे अंदर तो सिस्टम एक चैनलाइज कर रही हूँ हाँ। मैं इंस्टिंक्टिवली आ रहा है हाँ। और मुझको उसका एक चैनल चाहिए और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगला बंदा मुझे रिस्पॉस भी उस लेवल पर दे बिल्कुल सो so, ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो आप को स्टार्स में देखती हूँ और आप कहती है मुझे जोर नहीं लगाना पड़ेगा इट जस्ट कॉन ए कम नेचुरली एंड ईजिली मुझे लगता है कुछ जैसे मैंने कुछ नाम लिए तो मैंने मतलब ये लोग ट्रेनिंग सेम सिमिलर ट्रेनिंग से आते हैं तो कोई हमको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत भी नहीं होती जैसे सतीश जी के साथ बहुत सीनियर है वो मेरे और एज एन एक्टर एज अ फिल्म पर्सनालिटी उनके साथ मैंने ब्रिकलेन किया और लेकिन बहुत एफर्टलेस केमिस्ट्री इसलिए थी कि ये प्रोसेस ना तो उनको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा ना तो वो मुझे आपको लगता है कि अगर आप ट्रेन एक्ट्रेस ना होती जस्ट इंस्टिंगटिव एक्ट्रेस होती जैसा कि लग रहा है आपकी बातों से आप दोनों हैं इसलिए वो दो अच्छा हो गया ठीक <laughs> है दो धारी तलवार होगी नया एक्टर होगा

मैंने बहुत साल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखा है तो ये म्यूजिक और एक्टिंग में यही सिमिलैरिटी भी है किसी भी प्रैक्टिस में जब एक्टिंग एक्टिंग में लोग ये मानते हैं कि अरे नहीं चाहिए प्रैक्टिस ये गलत है एक्चुअली तो म्यूजिक में भी ये चीज होता है कि आप अपना जो राग है ताल है सरगम है ये प्रैक्टिस कर करके कर करके कर -कर -कर एक ऐसे लेवल तक पहुंचते हो जबकि ये सब चीजें मायने नहीं रखता mm -hmm. ताल राग स्वर ये सब चल रहा है और आप इम्प्रोवाइजेशन कहीं और ही कर रहे हो मिक्स भी कर रहे हो राग क्योंकि आपके जहन में वो चीज हो गई है कि इस राग को इस राग के साथ इस ठुमरी में मिक्स किया जा सकता है mm -hmm. उसको सोचना नहीं पड़ता और यू हैव टू रीच दैट लेवल ऑफ प्रैक्टिस एंड द थिंग इज दैट सो विदाउट ट्रेनिंग ये जो इंस्टिंक्ट की जो प्रैक्टिस है जी, पॉलिश नहीं कर, हो पाती करके उसको कैमरा विदाउट एनी रिहर्सल एंड से दैट ओके आई एम गो बैक ऑन माई इंस्टिंग एंड जस्ट रिस्पॉन्ड टू यू बिकॉज आईव हैड दैट ट्रेनिंग एंड सो मेनी इयर्स ऑफ प्रैक्टिस तो वो वही चीज है कि म्यूजिक में आप

ये बड़ा कम है जो मैंने किसी से आज तक कहा है लेकिन रणबीर कपूर के अंदर एक एबिलिटी है कि मैथड एक्टिंग की तरह से हाँ। आ, वो ही कम्युनिकेट्स

मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा किया तुमने कुछ एक्शन किया कुछ आ, देखा कुछ रिस्पॉन्ड विदाउट सेइंग एनीथिंग कुछ किया जिससे कम्युनिकेट हो सके कि तुम क्या फील कर रहे हो तुम्हारी कैरेक्टर एवरी थिंग शुड बी कम्युनिकेटेड विदाउट सेइंग एनीथिंग एक्चुअली नसीर सर उनके साथ भी मैंने दो फिल्में की है और वो हमारे टीचर भी रह चुके हैं ये नसीरुद्दीन शाह जी की बात हो रही है <laughs> <laughs> तो वो मेरे सर भी रह चुके हैं उनके साथ काम करने का भी मौका मिला बारहाना में और वो हमारे साथ जब क्लासेस लेने आते थे तो वो उनके साथ एक एक्सरसाइज होती थी कि आप कुछ कह नहीं सकते जीरो डायलॉग लेकिन हमको समझ में आना चाहिए कि आप कौन हो आपका बैकग्राउंड क्या है आपका इंटेंट क्या है आपके साथ आपका जो मतलब जिसके साथ आप इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हो उसका रिलेशनशिप क्या है लेकिन आप कुछ भी नहीं कह रहे हो फिर भी इट इट वॉज ऑल साइलेंट इमोवाइजेश इम्प्रोवाइजेश घंटों तक चलती थी द दोज आर द काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज दट वी डिट टू लर्न हाउ डू यू कम्युनिकेट विदाउट सेनीथिंग एंड अगेन आफ्टर प्रैक्टिसिंग दैट फॉर यू नो अ लॉन्ग टाइम यू कैन देन डू दैट दैट ओके सम बडी सेथिंग एंड आई डोन्ट सेनीथिंग एंड जिस माई आईज और समथिंग दैट आई मूव और समथिंग लाइक ब्रिकलेन में एक सिचुएशन में एग्जाम्पल दूंगी एक

सो so, ये जो अक्सर लोग बात करते हैं ना केमिस्ट्री बिटवीन द कैरेक्टर्स दे डोंट रियलाइज कि उस केमिस्ट्री को फिजिकलिटी में भी तो लेके आना है ना एब्सोल्युटली वो केमिस्ट्री तो है लोगों के बीच yeah. में पर उसको फिजिक yeah. उसको फिजिकलिटी yeah. में ला के दिखाना है कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग अच्छा मुझे ये बताइए कि आ, अभी तक कोई ऐसा आपने रोल किया है क्योंकि आपने तो बहुत सारे रोल <laughs> कर लिए हैं और ओरिजिनल रोल्स किए हैं जो कि यू नो पीपल कैन रिलेट टू एनी कैरेक्टर दैट यू थॉट that you were skeptical about initially huh. that it may, you might not be able to do it exactly how you thought because huh. of being a perfectionist yeah. and later on it became uh, when you saw it on the screen you were like you know this is exactly how I wanted to do it. I was never skeptical, but recently, you know, a film called Lion, which has mm -hmm. you know, had uh, six Oscar nominations and, and great reviews and it's a very good film, which mm -hmm. is, it's playing in all the theatres in America as well. And in India may Pichli release. Hui toh, mm -hmm. I was just in the release and I came here. And I have a very small part, but it's a part that शौक है आपको <laughs> तो लेकिन वो ऑब्वियस वैसे बिंदु जी नहीं है एंड mm -hmm. गार्थ वो बहुत ही बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है ही रोड दिस पार्ट फॉर नवाज एंड मी इन द फिल्म

इट्स नॉट बिकॉज आई डेंट थिंको करूंगी mm -hmm. क्योंकि गार्थ कुछ ऐसा भी नहीं चाहते थे। बहुत ही अंदर है वो कुछ भी ऐसा नहीं करती ऑब्वियस वे जिस से जिससे आपको कुछ भी पता चलता है mm. फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है हाँ तो तो ये परफॉर्मेंस बहुत मुश्किल है तो मैंने सोचा कि ये कैसे करेंगे तो अब मेरे लिए वही था कि चलो इसको करके देखते हैं अब क्या है बट एवरी वन सीन द फिल्म नाउ एंड स्पेशली एक्टर्स जो अच्छे एक्टर्स अप्रिसिएशन उन्होंने मुझे बाकायदा फोन करके और ये करके कहा कि तनिष्ठा यार इट लाइक वा अब जब आप ऐसा कुछ करती है हाँ। तो आम बंदे के लिए तो एक ग्रेट परफॉर्मेंस है स्क्रीन पे छोटे हाँ। से टाइम में लेकिन एक्टर के लिए ये है कि इसकी बैकअप स्टोरी कैसे बनी

Perfectly, yeah. वो कैसे करते हैं प्रोसेस वही ये जो प्रोसेस डायरेक्टर के साथ बैठ के मैंने पूरा बैक स्टोरी क्रिएट किया कभी कभी लोगों को लगता है कि वो इतना बैक स्टोरी का इतने से उसके लिए क्या जरूरत है बट आप देखेंगे फिल्म तो एवरी वन है सिर्फ मैंने कुछ छोटी छोटी चीजें की वहां जो स्क्रिप्ट में नहीं थी ये इस बैक स्टोरी ने मुझे वो सब करने में हेल्प किया एंड दैट गिव्स इट अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर मेनी पीपल सेट टू मी की उस पांच मिनट में हमें समझ में आ गया कि इस औरत ने या इस कैरेक्टर ने क्या जिंदगी जी होगी mm -hmm, yep. क्योंकि वह, वही चीजें क्योंकिफुल लाइन दैट गार्थ टोल्ड मी राइट इन द बिगिनिंग यू फॉर दिस रोल इज बिकॉज इवल डीड टू नेसेसरीली लुक इवल एट ऑल एक्चुअली इन रियल इट डेट्स वाई लेट्स सी हाउ डू वी एक्सप्लोर दिस माय गॉड ओके मुझे ये ये बताइए कि जब आप uh, कितना आपको लगता है कि ये जिस जगह पे आज आप हैं uh -huh. इस मुझे मुझे खुद ये जब मैं आपको अभी मिला हूँ और uh, मैंने आपको काम देखा है दिस इज द फर्स्ट टाइम आई मीटिंग यू मुझे लगता है कि आपका सक्सेसफुल होने का और द प्रिंसेस और द क्वीन और जो भी रेनिंग <laughs> क्वीन जो भी आपको कह रहे हैं इसका सिर्फ एक मेन रीजन है एक यू हैव टेकन योर क्राफ्ट सीरियसली और दूसरा उससे भी पहले

जीना शुरू कर दोगे ना सब एक्सटर्नल ढंग से आप देखोगे mm -hmm. किसी भी चीज के डेप्थ में नहीं जा पाओगे दैट्स वॉट हैज बीन माई लर्निंग फ्रॉम लाइफ इथ सेल्फ सो आई कीप थिंग्स वेरी सिंपल टू माई सेल्फ एंड आई लाइक टू बी हैप्पी आई डोंट स्ट्रेस माई सेल्फ विद एनी प्रेश वर्ल्डली सक्सेस एनी ऑफ दोंग जैसे आपने कहा ना कि कभी मैं लॉन्ग हाँ पांच मिनट का रोल भी कर लेती हूँ कभी मैं प्रिंसिपल कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ मुझे कोई ऐसा वो नहीं होता कि अच्छा मैं ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी ऐसे रहूंगी नथिंग लाइक दैट अभी आपने बहुत अच्छा क्यू दिया हैप्पीनेस के है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज बीइंग हैप्पी चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं और कुछ नहीं भी कर रहे कैसे आप अपने जहन से इस तरह बनकर एक खुश रह सकते हैं दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो सिर्फ एक्टर्स ही पूछ सकते हैं आपको काम भी आ जाए आप अच्छे भी लगते हैं आप चार्मिंग भी हैं आप टैलेंटेड भी हैं आप सब कुछ हैं आप स्कूल से भी आ गए हैं लेकिन एक चीज अगर आपके पास नहीं है तो आपको अच्छे रोल नहीं मिलते हॉलीवुड में स्पेशली और वो है जी अच्छा टैलेंट एजेंट या अच्छा मैनेजर मेरे तो पास नहीं है कुछ भी नहीं है, आप खुद ही हैं <laughs> सब, सब कुछ है। मुझे लोग डायरेक्टली ईमेल करते हैं आई हैव अ फ्रेंड Um, जो एक्चुअली फाइनली वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थोड़ा सा देख लेता है लेकिन काफ़ी फिल्मों में ऐसा काम किया मैंने जैसे पार्ट्स थे वो वहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं क्योंकि लीना और असीम ये लोग फ्रेंड्स थे हम लोग एक साथ मिलकर फिल्म बना ली ऐसे ऐसे भी मैंने बहुत काम किया है सो आई एम नॉट यू नो मुझे uh, हर चीज़ पर कैपिटल लगाना वो कैपिटलज़म की उस पार्ट से बहुत थोड़ा सा सख्त You know? हाँ मतलब मैं इजी तो और फ्री रहना चाहती जहाँ पे मेरा मन करे क्यूकी मुझे लगता है की ओनिंग एनी काइंड ऑफ कैपिटल आपको वहां पे डाल दे या है। वो जकड़ जाते हैं हम लोग अटक जाते, yes. जाते, जाते हैं अटक जाते हैं एक बहुत पुरानी कहानी है एक प्रिंसेस और उसकी अनहेपीनेस की वो बहुत बीमार रहती थी और किंग को पता नहीं था उसकी ओनली डॉटर यू नो लाइक व्हाट टू डू व्हाट टू डू एंड देन समवन सेड दैट इफ़ यू कैन गेट हर मैरिड टू अ मैन हु हैज़ नो अनहैपीनेस शील बी एब्सोल्युटली फाइन वो बीमार hmm. नहीं होगी लेकिन उनके किंगडम में उनको कोई नहीं मिला देन फाइनली वन डे सर्च करते 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 एक बंदा मिला जो इतना गरीब था कि उसके पास शर्ट भी नहीं था पहनने के लिए वो नदी पे ऐसे ही टहल रहा था और बाँसुरी बजा रहा था and uh, and he was the happiest person in the kingdom he had nothing to lose, lose yeah. and so the uh, he got him married uh, to her and now he cannot be happy because after, yes! two, years he has after two years she started becoming <laughs> ill again because yeah. now he was like <laughs> so i don't know like I've, it's not easy to do those yeah. things okay See, somebody said <laughs> life is about creating a balance of

you know, sad by some uh -huh. really things which are because we all go through traumas. Yeah, yeah. Our close people hurt us. We yeah. we go through all those things, uh -huh. you know. And uh, and also disappointments. Maybe evolved professional disappointments. I'm trying, I'm in a journey of that. Uh -huh. You know. So un sub moments for me actually it's music. Uh -huh. It is it's my way of meditation. It's my way of आप जितना मर्जी हो जाए जो मर्जी कर लें आप ट्रेवल कर लें दुनिया में जो मर्जी हासिल कर लें और आप इवॉल्व होकर एक जगह पर चली जाए कॉन्शियसनेस <laughs> में <laughs> पहुंच जाए बुद्ध बुद, बुद की तरह पहुँच जाए अगर आप इवन हाँ. देन एक ऐसी चीज जिससे अक्सर दुख होता है अभी भी आई थिंक डिग्निटी को जब कोई हर्ट करता है यू नो एंड देर अ डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड डिग्निटी सो आई थिंक आई लाइक टू बिलीव दैट आई हैव प्राउडली ओवरकम यू नो एनी ईगोज बट आई थिंक बेसिक डिग्निटी टू अनादर ह्यूमन बींग जो स्पेशली हमारी ईस्टर्न कल्चर्स में हमको अभी भी काम करना है क्योंकि हम लेबर को डिग्निटी नहीं देते, देते हैं।, हैं हम बहुत फ्यूडल हैं हम लोग सोचते हैं ये ये मतलब जाति इन सब चीज़ों को रिलीजन स्किन कलर ये सारी चीज़ों में हम भेदभाव करते हैं स्पेशली हम जहां से आए हैं ना पूरी अच्छा ये हम समझते हैं कि ये जो कलर का कॉम्प्लेक्स है ना ये ये सिर्फ हमें लेकिन जब मैंने इसमें शोज किए तो मुझे पता चला दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रीम रंग गोरा करने की क्रीम आज भी लोग इस जमाने में पढ़े लिखे समझदार लोग एग्जैक्टली ये गंदमी रंग को या किस exactly. थोड़ा सा अगर है तो उसके ऊपर इतना इशू है yeah. और दूसरी ये भी वो लोग याद रखें जो लोग ये क्रीमें खरीद के गोरा होना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली पिल जो है ना वो एंटी डिप्रेसेंट है so, जिनको वो प्रॉब्लम है फिर वो ये गोलियां भी खाते uh -huh. हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर की अच्छा मुझे बताइए फिल्म स्टार होने के नाते एक अच्छी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है एक अच्छी चीज फिल्म स्टार होने की वजह से फिल्म स्टार होने के वजह से मतलब, आ, आ, मतलब या अगर आप किसी चैरिटी के लिए काम करते हाँ, हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं हाँ, सपोर्ट करते हैं उस चैरिटी को कोई कॉज कौ, टेक अप करते अच्छा, हैं अच्छा मुझे एक्चुअली मैं अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं टीचर होती <laughs> मुझे मतलब यंग स्टूडेंट्स के साथ और यंग मतलब एक ऐसे एज ग्रुप जो इंप्रेसनेबल हो जहां पे आप चेंज कर सकते हो उनके साथ कम्युनिकेट करने में उनके साथ आइडियाज शेयर करने में और कुछ उनको मैं किसी को कुछ सिखाना नहीं चाहती बट यू नो जस्ट टू शेयर सर्टेन एक्सपीरियंसेस जहां से वो शायद उनके दिमाग में भी चीजें क्लियर हो एक नई परसेप्शन मिल सके एब्सोल्युटली वो चीजें मुझे बहुत मजा आता है वो करने के लिए क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि गूगल का जमाना है इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है लेकिन बहुत गलत इन्फॉर्मेशन लेकिन नॉलेज ऑफ विजडम नहीं मिलता नहीं इसलिए प्रकाशित नहीं हो रहे हम आपकी ज़बान में प्रभावित हो जाते हैं इंस्पायर्ड हो जाते हैं अच्छा लेकिन मुझे एक और चीज़ फिल्म स्टार होने की वैसे एक ऐसी चीज़ दैट यू डोंट लाइक एंड यू वॉन्ट टू चेंज इफ यू कैन

रिलीजस इंटॉलरेंस है या लैंग्वेज yeah, का इंटॉलरेंस है कास्ट का है जेंडर का है कुछ भी हर गरीब और अमीर के बीच का जो इंटॉलरेंस है हर चीज की जो आइडियोलॉजिकल इंटॉलरेंस यू नो लेफ्ट वर्सेस राइट वेंग यू नो कैपिटलिज्म वर्सेस मार्क्सिज्म हर हर चीज़ में हम ये सोचते हैं कि मैं जैसा सोच रही हूँ वो सही है और आप नहीं हो तो उसका एक पूरा लॉबी और कल्ट बन जाता है और आजकल हम देखते हो ट्विटर पे सोशल मीडिया पे ट्रोल्स होती है उनके अगेंस्ट जो आपके जैसे नहीं सोचते नहीं। मुझे ये बताइए अभी आ, कभी कभी आपको ये लगता है कि हमारे स्टार्स जो जो लोग हैं सेलिब्रिटीज या जो मीडिया में हैं वो लोग प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लेके वो प्राइवेसी या प्राइवेसी और जो उनकी वर्क लाइफ है उसको नहीं रख पाते हाँ। उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग उनकी लाइफ में घुसे हुए बजाय कि वो उनके क्राफ्ट पे ध्यान दें उनके काम पे ध्यान दें आपको लगता ऐसा है बहुत ज़्यादा है है ऐसा बहुत ज्यादा हाँ और किसी हद तक मतलब मीडिया को भी ये लगता है कि वही चीज पॉपुलर कीजिए आप तक, आ, बट आई थिंक ओनर्स आर्टिस्ट पे भी है कि हम अपना जो बाउंड्रीज है वो बहुत क्लियर रखे कि ये मेरी प्राइवेट लाइफ है इससे मुझे मेरे मतलब काम पे असर नहीं होना चाहिए आई शुड स्पीक थ्रू माई वर्क मैं जिस ढंग की फिल्में करती हूँ जिस ढंग के कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ उन कहानियों के थ्रू मैं क्या चेंज क्योंकि पॉप कल्चर जो है ना पॉप कल्चर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टूल ऑफ चेंज बिल्कुल ठीक है क्योंकि आप बचपन से एक इमेज एक कहानी सुनते आ रहे हो योर योर आइडियाज अबाउट लॉर्ड ऑफ थिंग्स गेट एक्चुअली इंप्रेशन बाई दैट कि आप बचपन से अगर uh, देख रहे हो कि मतलब आपको किसी ने गाली दी तो आपने मुक्का मार दिया तो आप वो करोगे बट इफ यू आर सीइंग समथिंग एल्स एज अ हीरोइक कैरेक्टर देन यू विल प्रोबली लर्न दैट इफ यू आर लुकिंग एट वेमेन इन अ पर्टिकुलर वे थ्रू पॉप कल्चर राइट फ्रॉम योर चाइल्ड हुड यू विल रेस्पेक्ट दैट ओनली बट आप अगर देख रहे हो कि वो इसी फंक्शन में काम कर रही है जैसे आइटमाइजेशन होती है उनके ऑब्जेक्टिफिकेशन देन यू विल थिंक दैट ये ऐसा ही होता है uh -huh. जैसे हमने रंग भेद के बारे में भी बात की uh -huh. जैसे कोई कोई कहते हैं कि अरे वो तो नौकर जैसे दिख रहा है इज इज काइंड ऑफ अ सेंटेंस दिस तो बचपन से पॉप कल्चर में आप ये सुनते आओगे तो आप अपने डोमेस्टिक हेल्प को रिस्पेक्ट नहीं दोगे आप वैसे ही ट्रीट एक्चुअली सॉफ्ट इंडोक्ट्रिनेशन हो जाती है जब हमें पता नहीं होता कि हमारी इंप्रेशनेबल एज में कुछ ऐसी चीजें हमने जस्टिफाई कर ली हैं कि वो जितना भी हम पढ़ लिख लें या, या इवॉल्व कर लें जान नहीं छुड़ा पाते तो मुझे ये लगता है कि आप अपने काम के थ्रू अपनी कहानियों के थ्रू ऐसा कल्चर क्रिएट करो और उसी के बारे में बात करो हमेशा बिकॉज मीडियाबिलिटी लोगों से मैं कहता होता हूँ कि हम लोगों को पता नहीं है लेकिन आजकल अगर गौर से देखा जाए तो मीडिया एक रिलीजन बन चुका है और अगर चाहे वो तो वो लोगों को उस रास्ते पे लगा सकते हैं जिसमें पेशेंस है टॉलरेंस है एक्सेप्टेंस है, है और बहुत सारी अच्छी चीजें मुझे जाने से पहले इससे पहले कि जितिन जो है ना वो मार डाले हम दोनों को साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल जो थर्ड एनुअल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है मैं चाह रहा हूँ उसके बारे में आप एक दो जुमले और अपनी फिल्म के बारे में ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में तो मैंने बहुत हाँ। कुछ कह दिया पर आ, आप परसों प्ले हो रही है ये फिल्म एज अ क्लोजिंग नाइट फिल्म ऑन द फिफ्थ सो आप देखने आइए एट द डैलस साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल आई थिंक इट्स अ फैंटेस्टिक इनिशियटिव बिकॉज डैलस में ऐसी फिल्म फेस्टिवल नहीं थी हाँ। और कुछ ऐसी फिल्में यहाँ जो आती है जो बॉलीवुड या मेन स्ट्रीम के फिल्में नहीं हैं लेकिन इंडिपेंडेंट फिल्म्स है जो शायद आपको थिएटर्स में अदरवाइज देखने को नहीं मिलेगी सो आई थिंक प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस आर एक्सट्रीमली इमेंट फॉर फिल्म मेकर्स ताकि वो अलग अलग ढंग की कहानियाँ और ऐसे इंस्परेशन स्टोरीज कह पाए जाने से पहले मैं आपको एक प्रोडिक्शन देना चाहता हूँ वो जो आपने बात की थी ना जिसमें क्योंकि बोल के लाभ आजाद हैं तेरे के पंद्रह सौ शोज हो चुके हैं जी और सौ तकरीबन टी वी पे हो चुके हैं यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगे और uh, उन सब में हमने यही बात की है कि हम लोगों को ये नहीं बता रहे कि वो कैसे सोचें हम को अपना एक परसेप्शन देते हैं एक uh, बात के बारे में बात करते हैं उसका अपना एक एंगल देते हैं दिस इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग के एंड लुकिंग एर इट और उसके बाद आप यंग लोगों से मिल, जैसे आपने कहा कि मिलना चाहती हैं बात करना चाहती हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहती हैं इसकी प्रोडिक्शन आपकी है कि आप जब मुझे 10 साल बाद भी मिलेंगी तो आप ऐसी होंगी ग्लोइंग फ्रेश और 50 साल में भी आप ऐसी होंगी यू नेवर गोना ग्रो आप टोटली उम्मीद तो ऐसी है, है।, है उम्मीद ऐसी है और आपके मुंह में मतलब <laughs> क्या शक्र... पीना चाहेंगे बताइए ठीक <laughs> है।, थीक थीक है, है।, है। <laughs> अच्छा अगर आखिरी सवाल जाने से पहले <laughs> अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी आवाज एक मिनट के बाद चली जाएगी हाँ। आप दुनिया से कुछ कहना चाहती हैं तो ये आपका आखिरी मौका है तो क्या कहेंगी मैं तो गाना चाहूंगी फिर थोड़ा सा हो जाए कि है इश्क भी जुनू भी मस्ती भी जोश खूबी कहीं दिल में दर्द कहीं आह सर्द कहीं रंग दर्द है यूं भी और यूं भी है इश्क भी जुनू भी बहुत खूब बहुत खूब बहुत शुक्रिया और इसके बारे में शायर कहते ना कि वो दिल में उतर जाता है आवाज़ के नाते वो दिल में उतर जाता है आवाज़ के नाते अब उससे मिलोगे तो कोई बात ना करना आहा। <laughs> और जनाब नाइस ऑफ यू मैम थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम शुक्रिया थैंक यू वेरी मच ऑलवेज वेलकम टू रेडियो आजाद विनय इन डालस और आपको तो ई मेल्स के थ्रू मिल जाती हैं लोगों को बहुत अच्छी बात है हम हमेशा यहाँ रहेंगे कोई नई फिल्म आप करने जा रही हूँ कोई आप दुनिया में मैसेज फैलाना चाहती हूँ रेडियो आज़ाद आज से आपका अपना है जब दिल चाहे ईमेल कीजिए कॉल इन कीजिए और हम बंदोबस्त कर देंगे साथ। मैं इस आज़ाद आज़ादी को एम्ब्रेस करती हूँ थैंक यू सो मच आप जाने से पहले हम आपको बताते जाए आई होप आप लोगों की तरह इट वॉज फन एजुकेशनल वी गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट एंड नो अ लॉट अबाउट दिनिश्ता चैरजी ऑल्सो मैंने एक्टर होने के नाते प्रजेंटर होने के नाते आज उनसे बहुत सीखा एक कभी कभी मैं ढीला हो जाता हूँ मोटिवेटेड मैं शोज तो करता हूँ मोटिवेशन के ऊपर और बहुत सारी इंस्पिरेशन के ऊपर ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन ऑल द रिलीजन इन द वर्ल्ड के ऊपर और पोइट्री और फ़िलासफ़ी के ऊपर लेकिन कभी कभी इंसान होने के नाते मैं भी मुझे लगता है कि एनर्जी मेरी कम हो गई है लेकिन आज मैं फुल चार्ज हो गया हूँ और मेरा ख्याल है पाँच छः महीने मैं अच्छा इसी तरह चलता रहूँगा फिल्म फेस्टिवल बहुत अच्छा रहेगा थर्ड एनुअल फिल्म फेस्टिवल जिसको आप तमाम लोगों ने पहले दो दफ़ा पहुँच हमेशा उसको हाउसफुल किया 20 फिल्में हैं शॉर्ट फिल्म हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं फीचर फिल्म हैं बहुत मेहनत से जितन हिंगुरानी और जो जिंगो मीडिया है वो आप लोगों के लेके आए आएँ वो न्यूयॉर्क में ये सब करते थे डैलस में उन्होंने पोटेंशियल देखा वो जहाँ आए उन्होंने हम पे बैंक किया अपनी जो हमारी देसी कम्युनिटी है उस पर बैंक किया रेडियो आज़ाद पे बैंक किया और सब लोगों को साथ मिला के बहुत अच्छा बनता है वो सब से प्यार करता है सबको मिला के रखता है और बहुत अच्छी अच्छी काम करता है वो और उनसे जब मिलिएगा जब आप आएंगे जब आप इन पर्सन मिलेंगे तनिश्ता चैरजी से और बहुत सारे और एक्टर्स डायरेक्टर्स जो कि इंडिया से पाकिस्तान से कई स्टेट्स से आएँ तो अच्छा लगेगा आप तमाम लोगों को सो उम्मीद करते हैं ये फिल्म फेस्टिवल भी उतना ही फेमस और सुपर डुपर हिट होगा जैसे कि लास्ट दो आप लोगों ने किए हैं और ये सिर्फ आप अगर आप लोग प्रेजेंट आपकी प्रजेंट से ही सब है तो आप मैं दिल से ये चाहता हूँ कि आप लोग आएँ आज ओपनिंग फिल्म भी हैं और वहाँ पर भी आप लोगों से मुलाकात होगी इन्फॉमेशन अगर आप चाहते हैं ऑल एक्सेस पास चाहिए आपको इंडिविजुल uh, स्क्रीनिंग चाहिए तो ऑल यू हैव टू डू जस्ट गो टू डी एफ डब्ल्यू सैफ डॉट कॉम दैट्स डी एफ डब्ल्यू एस एफ एफ डॉट कॉम जाने से पहले सीखे बगैर कोई चीज़ नहीं है महफिलें सिर्फ दो किस्म की एक जिसमें आप कुछ सीखें दूसरा जिसमें आप कुछ सिखाएं ये दो बातें अगर हमने समझ लें ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है आज की इस बात से एक यंग सी एज में तकरीबन डेकेड हुआ है उनको इस काम में और आज उनको प्रिंसेस भी लोग कहते हैं क्वीन भी कहते हैं उन्होंने जो काम किया है इससे पता चलता है यू कान बीट हार्ड वर्क एंड राइडिंग योर इंस्टिंक्ट्स बिलीविंग इन योर सेल्फ बिलीविंग इन समथिंग बिगर दैट यू कैन अचीव और बी एन इंस्परेशन फॉर अदर्स ऑल्सो दुनिया में साइंस कहती है नंबर्स कहते हैं हंड्रेड बिलियन लोग आए और चले गए हम तकरीबन चार पाँच सात सौ लोगों को जानते हैं इफ़ यू Don't just want to be a number. Then you have to believe in yourself and do something that only you can do. Because haradmi different. Haradmi ke pas apna talent different hai, gifts different hai. Competition mein apna vakat barbad karene ke bajaye, apne kaam ko excellence tak pohnjana hai. Jo bhi you should be the best, and you should always be pursuing the. एक्सीलेंस जाने से पहले वक्त बहुत जरूरी है वक्त और एनर्जी हमेशा थोड़ा होता है इसको हमने बेस्ट यूज़ करना होता है इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी नज्म लिखी थी इस बात के साथ आपको नज्म सुनाते हैं और उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर हमने इतने हज़ारों शोज कर दिए हैं लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा वक्त और इंसान वक्त और इंसान लगता है दोनों साथ ही बने थे वक्त बनाने के लिए जो मट्टी दरकार थी लगता है बनाने वाले ने वो इंसान की मट्टी से उठा ली थी इसीलिए तो वक्त भी हम इंसानों की तरह बड़ा ही बेवफा है हाय रेडियो आज़ाद फैंस हमारे शोज़ और इंटरव्यूज़ देखने का और सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको लगता है इस शो बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में जो हम बात कर रहे हैं इससे कोई बेहतरी आसानी पैदा की जा सकती है हमारी जिंदगियों में और इस सफ़र में आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो क्लिक कीजिएगा ये सब्सक्राइब का बटन और यहाँ शोज़ इंटरव्यूज़ और नज़में आप देख सकते हैं खुश रहिए है। और हाँ थैंक यू